तारीख 1 जून 2001, समय रात के 12 बजे। नेपाल के नारायण हिती पैलेस से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह ने अपने पिता राजा बीरेंद्र शाह समेत नेपाल रॉयल फैमिली के 9 लोगों का मर्डर कर दिया था। जैसे ही ये बात नेपाल के आम लोगों तक पहुंची, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग सड़कों पर आकर मातम मनाने लगते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर क्राउन प्रिंस ने ऐसा किया तो किया क्यों। कोई कह रहा था कि दीपेंद्र नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के अपने पिता के फैसले से खफा थे, तो किसी ने उनकी माँ ऐश्वर्या को इसकी वजह माना, जो उनके और राजकुमारी देवयानी राणा के प्यार के बीच में आ रही थी। वही कुछ लोग मान रहे थे कि ये गुरु गोरखनाथ के उस श्राप का असर है जो उन्होंने राजा पृथ्वी नारायण शाह को दिया था। पृथ्वी नारायण शाह वो राजा जिन्होंने नेपाल को बनाया। काठमांडू से 100 माइल दूर गोरखा में पैदा हुए पृथ्वी नारायण जितने बहादुर थे उतने ही एम्बिशियस भी थे। बचपन में वो पहाड़ों की चोटी पर चढ़कर काठमांडू वैली को देखते और कहते कि एक दिन इस घाटी पर मेरा राज होगा। इतिहास के माने तो उनके आने से पहले पूरा नेपाल अलग अलग रियासतों में बंटा था। उन्होंने ही नेपाल को एकजुट करके एक नया देश बनाया और गोरखा राजवंश या यूं कहें कि शाह डायनेस्टी की स्थापना की। गुरु गोरखनाथ को इसी शाह डायनेस्टी का रक्षक माना जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ही पृथ्वीनारायण शाह को श्राप दे दिया जिसने नेपाल के पूरे राज परिवार को ही खत्म कर दिया। इसकी असल कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा भारत के उत्तर में बसी काठमांडू घाटी की खूबसूरत वादियों में। काठमांडू पहाड़ों के गोद में बसा ये खूबसूरत शहर नेपाल के लिए हमेशा से ही काफी महत्वपूर्ण रहा है। ये नेपाल के बीचों बीच था और काफी उपजाऊ भी था। सदियों पहले भारत और तिब्बत का मेन ट्रेड रूट काठमांडू से होकर गुजरता था, इसीलिए यहाँ के राजाओं को टैक्स के जरिए खूब कमाई होती थी। कहते हैं कि पृथ्वी नारायण शाह ने बहुत ही कम उम्र में काठमांडू को जीतने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। काठमांडू पर डायरेक्ट अटैक करने के बजाय उन्होंने इसके आसपास के इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनकी आर्मी ने काठमांडू को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मेन काठमांडू वैली पर अटैक करने के लिए उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां से सिर्फ 2-3 घंटों के भीतर ही मार्चिंग की जा सके, और ये जगह थी कीर्तिपुर। लेकिन कीर्तिपुर एक बेहद ताकतवर रियासत थी, इसीलिए इसे जीतना आसान नहीं था। कहते हैं कि जब शाह की सेना ने कीर्तिपुर पर अटैक किया तब बहुत ही भयानक जंग हुई। इस जंग में पृथ्वी नारायण के सगे भाई और आर्मी कमांडर कल्लू पांडे, जो कि शाह आर्मी के सबसे बेस्ट कमांडर थे, उनकी हत्या कर दी गई। इन दोनों की मौत पृथ्वी नारायण शाह के लिए एक बड़ा झटका थी, इसलिए उन्होंने खून खराबे के बजाय कीर्तिपुर के राजाओं से बातचीत करके शांति से काठमांडू जाने तक का रास्ता मांगा। कीर्तिपुर के राजा भी इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन जब पृथ्वी नारायण अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे तो ऐन वक्त पर कीर्तिपुर के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस बात से खफा शाह की सेना ने कीर्तिपुर पर इतना जबरदस्त हमला किया कि कुछ ही घंटों में कीर्तिपुर की सेना ने घुटने टेक दिए। वहां के राजा मारे गए और इस तरह 12 सालों के इंतजार और 4-4 युद्धों के बाद जाकर पृथ्वी नारायण शाह कीर्तिपुर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। इतिहास बताता है कि कीर्तिपुर की वादा खिलाफी से पृथ्वी नारायण शाह इस कदर गुस्सा थे कि उन्होंने इसकी सजा वहां की जनता को दी। उन्होंने पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा किया और सबके नाक और होंठ कटवा दिए। ये सजा उस वक्त बेवफाई करने वालों को दी जाती थी और उनके नजर में कीर्तिपुर की जनता और राजा सब बेवफा थे। खैर, इस घटना के कारण दूर दूर तक पृथ्वी नारायण शाह के नाम का खौफ फैल गया, जिसका असर ये हुआ कि काठमांडू के राजा जयप्रकाश माला युद्ध लड़े बिना ही भाग गए।
इस तरह पृथ्वीनारायण शाह बिना किसी खून खराबे के ही काठमांडू को जीतने में कामयाब रहे। 1769 में उन्होंने अपनी जीती हुई सभी रियासतों को मिलाकर नेपाल में शाह राजवंश की नींव रखी और काठमांडू को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह दुनिया के नक्शे पर नेपाल का उदय होता है और पृथ्वीनारायण शाह यूनिफाइड नेपाल के राजा बनते हैं। वो विजय रथ पर सवार होकर भारत और तिब्बत की बहुत सी रियासतों को तेजी से नेपाल में मिलाते जा रहे थे, लेकिन तभी एक हादसा होता है। हुआ यूं कि एक दिन राजा पृथ्वीनारायण टहलते टहलते घने जंगलों की तरफ निकल गए, जहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से होती है। सन्यासी के चेहरे पर गजब का नूर था। उन्होंने सन्यासी से बात करके उनकी इच्छा पूछी तो सन्यासी ने उनसे दही भरा एक कटोरा मांगा। ये सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत एक सैनिक से दही का कटोरा मंगवाया और सन्यासी को दे दिया। देखते ही देखते सन्यासी ने पूरा दही पी लिया और उसी कटोरे में उल्टी कर दी। सन्यासी ने राजा से उसी दही को पी जाने के लिए कहा, जिस पर राजा खफा हो गए और दही का कटोरा जमीन पर पटक दिया। राजा की इस हरकत को देख सन्यासी अपने असली रूप में आ गए। ये कोई और नहीं बल्कि गुरु गोरखनाथ थे। वो राजा की इस हरकत पर आग बबूला हो गए। उन्होंने राजा को बताया कि वो तो सिर्फ उनकी परीक्षा ले रहे थे। अगर राजा उस दही को पी जाते तो नेपाल पर शाह राजवंश का शासन हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहता। लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे फेंक दिया, इसलिए गुरु गोरखनाथ ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे पैरों की जितनी उंगलियों पर ये दही गिरा है, तुम्हारी उतनी पीढ़ियां ही नेपाल पर राज कर पाएंगी। राजा ने नीचे देखा तो उनकी 10 उंगलियां दही में भरी हुई थी। माने पृथ्वीनारायण शाह की 10वीं पीढ़ी नेपाल राजवंश की आखिरी पीढ़ी होने वाली थी। कहते हैं कि पृथ्वीनारायण गोरखनाथ से माफी मांग पाते उससे पहले ही वो गायब हो गए। नेपाल के लोग मानते हैं कि उसी दिन से इस श्राप का असर शाह राज परिवार पर होने लगा था। साल 1775 में पृथ्वीनारायण शाह का देहांत हो गया। उस दौर में राजा महाराजा कई कई शादियां करते थे और उनके बच्चे भी काफी सारे होते थे। ऐसे में सही उत्तराधिकारी का ऐलान ना होने पर राज परिवार के सदस्य ही आपस में भिड़ने लगते थे। पृथ्वीनारायण शाह ने भी यही गलती की। इतनी मेहनत से उन्होंने जिस नेपाल किंगडम को बनाया था उसके लिए उन्होंने उत्तराधिकारी ही नहीं चुना था। इसीलिए उनके जाने के बाद उनके बेटे राजा बनने के लिए आपस में लड़ने लगे। तब काठमांडू के प्रधानमंत्री विंसेंट थापा आगे आए और उन्होंने नेपाल का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने पृथ्वीनारायण शाह के बड़े बेटों के बजाय उनके 3 साल के बेटे राजेंद्र शाह का राज तिलक किया। अब नेपाल का राज थापा चला रहे थे और राजेंद्र उनकी निगरानी में बड़े हो रहे थे। कहते हैं कि राजेंद्र पर पहरे इतने सख्त थे कि उन्हें राजमहल से निकलने तक की भी इजाजत नहीं थी। इस तरह से वो राजा होकर भी कैदी थे। जैसे जैसे वो समझदार हुए उन्हें इसका एहसास भी होने लगा। साल 1837 में आखिरकार उन्होंने थापा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राजशाही का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इतिहासकारों के माने तो राजेंद्र शाह एक अच्छे राजा साबित हो सकते थे अगर वो बीमार ना होते तो। कहते हैं कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान कभी बहुत खुश होता है तो कभी बेहद गुस्सा हो जाता है, और जब गुस्सा होता है तो इतना होता है कि बेहद खतरनाक बन जाता है। राजेंद्र शाह का बर्ताव भी ऐसा ही था। वो कभी बहुत खुश होते तो कभी बेहद गुस्सा हो जाते। इस वजह से अपनी पत्नियों और बेटों के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। लेकिन इसका असली असर तब सामने आया जब नेपाल का अगला राजा चुना जाना था। जी हाँ, उत्तराधिकारी चुनने में राजेंद्र शाह ने भी गलती कर दी। वो ऐसे कि नियम के हिसाब से तो उनके बड़े बेटे सुरेंद्र को क्राउन प्रिंस बनाया जाना था, लेकिन क्योंकि वो अपनी छोटी रानी लक्ष्मी देवी के ज्यादा करीब थे इसीलिए उन्होंने सारे पावर्स रानी लक्ष्मी देवी को दे दिए। रानी चाहती थी कि राजा उनके बेटे को बनाया जाए, इसलिए उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। लक्ष्मी देवी ने नेपाल दरबार के सबसे शक्तिशाली मंत्री गगन सिंह को अपने पक्ष में कर लिया।
लेकिन गगन सिंह उनकी मदद कर पाते इससे पहले ही उनका मर्डर हो गया। रानी ने गगन सिंह के हत्यारे का पता लगाने का जिम्मा नेपाल आर्मी के सबसे ताकतवर कमांडर जंग बहादुर को दिया। जंग बहादुर ने नेपाल राज परिवार की इस फूट का फायदा उठाया और हत्यारे को ढूंढने के बजाय नेपाल राज दरबार के दरबारियों को ही आपस में लड़वा दिया। भयानक खून खराबा हुआ। जंग बहादुर और उनके भाई को छोड़कर बाकी सब मारे गए। जंग बहादुर ने राजा रानी को देश निकाला दे दिया और क्राउन प्रिंस सुरेंद्र की ताजपोशी करके उन्हें नजरबंद कर दिया। अब नेपाल का पूरा कंट्रोल जंग बहादुर के हाथों में था। वो नेपाल के परमानेंट प्रधानमंत्री बने और खुद को टाइटल दिया राणा। उन्होंने शाह राजाओं की गलतियों से सबक लिया और सबसे पहले उत्तराधिकारी तय करने का नियम बनाया, जिसके मुताबिक राणा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य ही अगला राणा बनेगा। इसका फायदा ये था कि प्रधानमंत्री बनने की बारी आने तक राणाओं की उम्र 30 से 40 साल के करीब होती थी। वो पूरी तरह से मैच्योर होते थे और राजकाज को सही ढंग से कंट्रोल कर लेते थे। नेपाल के राणाओं ने अपने बॉर्डर्स को भी पूरी तरह सुरक्षित किया और लगातार साम्राज्य विस्तार करते रहे। इस तरह साल 1846 के बाद से ही पीढ़ी दर पीढ़ी शाह राजाओं को पैदा होते ही नजरबंद किया जाने लगा और राणा वहां का असली शासन चलाते रहे। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। नेपाल के राणा ये समझ चुके थे कि अंग्रेजों से लड़ने की बजाय उनसे दोस्ती करने में ज्यादा फायदा है, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ सुगोली की संधि की, जिसे फ्लैग ट्रीटी भी कहते हैं। नेपाल ने अपने कुछ हिस्से अंग्रेजों को व्यापार के लिए दे दिए। बदले में अंग्रेजों ने नेपाल के राणाओं को पूरा समर्थन देने का वादा किया। हालांकि शर्त ये थी कि नेपाल के विदेशी मामलों को अंग्रेज हैंडल करेंगे। राणा इसके लिए तैयार थे। अंग्रेजों का साथ मिलने पर वो आराम से नेपाल पर राज करते रहे। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अंग्रेजों ने नेपाल के साथ संधि क्यों की, क्यों नहीं उन्होंने नेपाल पर कब्जा कर लिया? तो दोस्तों, इसका जवाब है एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि विस्तारवादी सोच। ब्रिटिशर्स और नेपाल के राणा एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। नेपाल के पास बहुत ही ताकतवर गोरखा आर्मी थी, जो लगातार अलग अलग इलाकों को जीतकर नेपाल का विस्तार करती जा रही थी, और ये लोग नीचे अवध तक पहुंचना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज तो पूरे के पूरे भारत पर ही कब्जा कर चुके थे और ये लोग ऊपर तिब्बत तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन गोरखा आर्मी की वजह से अंग्रेज तिब्बत तक नहीं पहुंच पाए और अंग्रेजों की वजह से नेपाल अवध तक नहीं फैल पाया। तब दोनों को समझ आया कि लड़ने में कोई फायदा नहीं है और दोनों मिलकर राज करने लगे। इस तरह अंग्रेजों को ट्रेड रूट मिल गया और नेपाल के राणाओं को अंग्रेजों का सपोर्ट मिल गया। यही कारण था कि नेपाल हमेशा आजाद रहा, लेकिन वहां के राजा नहीं। राजा तो राणा की कैद में थे, लेकिन 1947 में अचानक उनकी किस्मत चमकती है जब आधी रात को भारत को आजादी मिली और अंग्रेज ब्रिटेन लौट गए। अंग्रेजों के जाते ही राणाओं का सपोर्ट सिस्टम भी खत्म हो गया, क्योंकि भारत की नई सरकार, खासकर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये चाहते थे कि नेपाल में राणाओं की तानाशाही खत्म हो और वहां के शाह राजा फिर से सत्ता में आए। वहीं दूसरी तरफ भारत में आजादी के लिए जो आंदोलन हुए थे, उनसे सबक लेकर नेपाल के लोग भी विद्रोह पर उतर आए। ये राजशाही को खत्म करके डेमोक्रेसी लाने की मांग कर रहे थे। साल 1950 में नेपाल की क्रांति होती है। कहते हैं कि उस वक्त नेपाल के राजा थे त्रिभुवन शाह, जिन्हें वहां के राणा ने नजरबंद करके रखा था। नेपाल की ये क्रांति त्रिभुवन शाह के लिए अच्छा मौका थी और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। कहते हैं कि एक दिन वो किसी तरह से अपने महल से भागकर इंडियन एम्बेसी आ गए। इंडियन एम्बेसी ने उन्हें स्पेशल प्लेन से दिल्ली पहुंचाया। इस तरह शाह राज परिवार नेपाल से भागने में कामयाब हो गया। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये सब जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। वो ही पर्दे के पीछे से नेपाल की क्रांति को सपोर्ट कर रहे थे।
त्रिभुवन शाह और उनके परिवार को भारत लाने के लिए स्पेशल प्लेन भी उन्होंने ही अरेंज करवाया था। खैर, जब ये बात नेपाल के राणा को पता चली, तब उन्होंने हाथों हाथ त्रिभुवन के 3 साल के बेटे ज्ञानेंद्र को राजा बना दिया। क्योंकि रॉयल फैमिली में से सिर्फ ज्ञानेंद्र ही बचे थे जिन्हें महल से निकाला नहीं जा सका था। हालांकि राणा का ये पैतरा भी काम नहीं आया, क्योंकि त्रिभुवन अब नेपाल के नेशनल हीरो बन चुके थे। लोगों को लगा कि त्रिभुवन शाह राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हैं और नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए वो भारत से मदद मांगने गए हैं। इसीलिए जब 1951 में त्रिभुवन फिर काठमांडू आए तो उन्हें नेपाल के लोगों और लोकल लीडर्स का जबरदस्त समर्थन मिला। इस समर्थन के दम पर उन्होंने राणा की सत्ता को उखाड़ फेंका और अब नेपाल में एक बार फिर शाह राजाओं का राज शुरू हो गया। उन्होंने लोकल लीडर्स के साथ नए नेपाल की नींव रखी और नेपाल में लोकतंत्र को लागू किया। इसीलिए त्रिभुवन शाह को नेपाल के लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। हालांकि सिर्फ 5 साल बाद यानी कि 1955 में वो दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी जगह राजा बने उनके बेटे महेंद्र शाह। क्योंकि अब नेपाल में डेमोक्रेसी थी, इसलिए वहाँ भी मल्टी पार्टी सिस्टम था, यानी कि कई सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ थी जैसे कि आज भारत में है। महेंद्र शाह को लगता था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, इससे कभी भी नेपाल का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टियों को 5 साल का समय दिया और दूसरी तरफ खुद लग गए नेपाल के मॉडर्नाइजेशन में। उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया, कई सारे फैसले लिए जनता के हित में और बदलते हुए युग के साथ नेपाल को आगे ले जाने की कोशिश की। 1960 में उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम को खत्म करके यहाँ पंचायत सिस्टम लागू कर दिया, जिसमें अलग अलग इलाकों की सत्ता लोकल लीडर्स को दे दी गई और सुप्रीम लीडर बने वो खुद यानी कि राजा। नेपाल के राजा का ये फैसला कुछ लोगों को पसंद आया तो कुछ को लगा कि राजा ने उनके साथ धोखा किया है। ये लोग डेमोक्रेसी की डिमांड को लेकर फिर से सड़कों पर उतर आए और इस तरह से नेपाल की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन होने लगे। 1972 में राजा महेंद्र शाह का देहांत हो जाता है और उनकी जगह पर राजा बनते हैं उनके बेटे बीरेंद्र शाह। बीरेंद्र के लिए नेपाल का ये ताज कांटों भरा था, क्योंकि एक तरफ जहां नेपाल में लोकतंत्र लागू करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माओवाद भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि बीरेंद्र शाह पृथ्वी नारायण शाह की 10वीं पीढ़ी थे, यानी कि गुरु गोरखनाथ के श्राप के मुताबिक नेपाल राजशाही का खात्मा होने ही वाला था। कहा जाता है कि राजा बनते ही बीरेंद्र शाह ने लोगों का दिल जीतने की काफी कोशिश की। 1979 में उन्होंने ऐलान किया कि वो रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह करवाएंगे। उनके इस फैसले से लोगों को लगा, वाह, हमारे राजा ने हमें चॉइस दी है। लोगों में वीरेंद्र सिंह की छवि एक अच्छे राजा की बनी और उन्होंने खुलकर वोटिंग की। लोगों ने पंचायत सिस्टम को चुना, लेकिन बहुत ही कम परसेंट से। फॉर एग्जाम्पल, कि 100 में से 48% अगर मल्टी पार्टी सिस्टम को दिए गए तो 52% वोट पंचायत सिस्टम को मिले। इस तरह बहुत ही कम फर्क रहा होगा, लेकिन इसी फर्क के कारण राजा ने पंचायत सिस्टम को जारी रखा। हालांकि उनके इस फैसले से डेमोक्रेसी की डिमांड करने वाले लोग फिर से सड़कों पर उतर आए। 1985 में नेपाल की कांग्रेस पार्टी ने मल्टी पार्टी सिस्टम को लाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया। 1990 तक भी जब लाख कोशिशों के बावजूद हालात नहीं सुधरे, तब राजा बीरेंद्र शाह को झुकना ही पड़ा। यानी कि नेपाल में एक बार फिर लोकतंत्र आ गया। साल 1991 में इलेक्शन हुए और नेपाली कांग्रेस की जीत हुई। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने और नेपाल के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन राजशाही खत्म करके बीरेंद्र शाह अपने ही परिवार में अलग थलग पड़ गए। कहते हैं कि उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या और उनके बेटे क्राउन प्रिंस दीपेंद्र उनके इस फैसले से काफी नाराज थे, इतने कि उन्होंने अपने पिता की
हत्या ही कर दी। होता ये था कि नेपाल रॉयल फैमिली में हर फ्राइडे इवनिंग डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी, जिसमें पूरा परिवार इकट्ठा होता था। 1 जून 2001 को नारायण हिती पैलेस में भी इसी तरह की एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जहां प्रिंस दीपेंद्र शाह नशे में धुत होकर पहुंचे और एक के बाद एक करके अपने माँ बाप समेत रॉयल फैमिली के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद को भी गोली मार ली। कहते हैं कि उस रात सिर्फ 3-4 मिनट में ही वहां मौत का ऐसा तांडव मचा जिसने एक तरह से नेपाल की रॉयल फैमिली को खत्म ही कर दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह जैसा समझदार आदमी ऐसी हरकत कर सकता है। कुछ लोगों ने इसके लिए रानी ऐश्वर्या शाह को जिम्मेदार ठहराया तो कुछ ने नए राजा ज्ञानेंद्र शाह को। लेकिन नेपाल के ज्यादातर लोग ये मान रहे थे कि ये तो होना ही था, क्योंकि पृथ्वीनारायण शाह को सिद्ध गुरु गोरखनाथ से श्राप जो मिला था। लेकिन ये राज अब भी एक राज ही रहा कि प्रिंस दीपेंद्र शाह ने ऐसा किया तो किया क्यों। इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या थी, कैसे दीपेंद्र शाह ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और राज परिवार की हत्या के बाद नेपाल में क्या हुआ, इसकी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा, साथ ही ये भी बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।